हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाना सीखेंगे नारियल के लड्डू। मैंने इस लड्डू में सिर्फ 3 चीज़ें डाला हैं, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड से मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 2 कप दूध डाला है और यहाँ मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। तो इसे हमें थोड़ा गाढ़ा करना है बॉयल करके। तो यह हमारा गाढ़ा हो चुका है। और दूसरी साइड हम एक पैन लेंगे, उसमें मैंने यहाँ 2 कटोरी नारियल के बुरादे यूज किया है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। तो यहाँ हमें इसे 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करना है। हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसका कलर ज़्यादा चेंज ना हो इस बात का आप ध्यान रखें। हमें इसे स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। तो ये रोस्ट हो चुके हैं थोड़े से। तो यहाँ मैंने 1/2 कटोरी चीनी डाला है। अगर आपके पास चीनी का पाउडर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ 2 चम्मच घर की मलाई यूज कर रही हूँ, जो हमारे दूध में होता है। अगर आपके पास मिल्क क्रीम है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है। और अब हमें इसमें जो हमारा दूध हमने गाढ़ा करने को रखा था उसे डालना है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा दूध डाला है। दूध को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम बाकी के भी दूध डाल देंगे। अगर आपके पास मेवा है तो आप उसे भी यहाँ डाल सकते हैं, उससे थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। मैंने यहाँ सिर्फ दूध और चीनी से ही इसको बनाया है, ताकि सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। अब मैंने यहाँ पे बादाम और काजू को पाउडर डाला है और इलायची। तो अगर आपको इन सब का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं इनको। और हमें इसे स्लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक और भूनना है। तो अब हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ इसे 1 कटोरी में ले लिया है। और मेरे पास यहाँ कुछ फूड कलर है तो मैं इसे यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें, ये ऑप्शनल है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ही फूड कलर यूज किया है, 1 ड्रॉप। इसको मैंने यहाँ मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक और कलर है, ये थोड़ा यहाँ कलर ज़्यादा हो गया है गलती से, तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम नारियल के लड्डू बनाएंगे। तो इसको ऐसे हाथों पे लेके और गोल गोल सा हम बनाएंगे। आप साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा छोटा साइज ले रही हूँ। तो यहाँ लड्डू तैयार हो गया। अब इसकी कोटिंग करते हैं। कोटिंग के लिए हमें थोड़ा बुरादे अलग से निकाल के रखना होगा, यहाँ मैंने रख लिया था। तो इसकी ऐसे इस पर कोटिंग करना है। और ये हमारा पहला लड्डू तैयार। यहाँ पे मैंने येलो वाला लिया है, उसकी भी कोटिंग कर लिया। आप इस पे डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, एक बार कोटिंग करके फिर उसे रख के फिर 2-3 मिनट के बाद आप इसमें डबल कोटिंग कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा लड्डू भी तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ वाइट कलर लिया जिसमें कोई फूड कलर नहीं है, तो इस पे भी कोटिंग कर दिया है। इसी तरह हम बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करें, ये बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो अब हमारे यहाँ सारे लड्डू तैयार हैं। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।